दिल से नमस्कार है आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सभी लोग? लास्ट टाइम कैसा है आप सभी का हाल चाल? बढ़िया एकदम, मस्त एकदम, झकास एकदम। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 2 इस पे मिले हैं। कौन सा? चैप्टर भी 2 और लेक्चर नंबर भी 2 आपकी साइंस की बुक है ना। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे ना, पता है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में। आज हम लोग इस लेक्चर में बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। जो बेसिस के बारे में, इसके बारे में, बेसिस के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। तो जिसने भी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है ना, वो जाके पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो भैया, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बता ही दे रहा हूं। ठीक है, तो ये बेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देरी नहीं करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को, आपका काम है, ठीक है ना। और मुझे कमेंट आपको बताना है करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, तो आपको बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डाउट ही नहीं रहेगा आपको। ट्रस्ट मी गाइस, घबराना नहीं। नोटबुक निकालो, आराम से हैंड रिटन नोट्स करने, आपको जो मैं यहां लिखूं वही चीज आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वही आपको लिखना है। वीडियो पॉज करके मैं साइड हट जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद नोट डाउन कर सकते हो, या मेरे साथ में साइड हट जाऊंगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो ना। लेकिन मैं कोई भी नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है यार, अब बच्चे थोड़ी होगी, हैंड रिटन नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाएंगे। ना गलत, बहुत गलत। ठीक है ना, तो आपको खुद करना है, मेहनत करो यार, मेहनत करना सीखोगे। लेक्चर अटेंड करो, बहुत बढ़िया, लेक्चर अटेंड करो बहुत बढ़िया बात है, बट इसका भी कोई रूल होता है, इसका भी कोई टाइम होता है। टाइम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, टाइम से अपने उस तरीके से आपको लेक्चर भी, हाँ मेरे को इस टाइम पे ये लेक्चर देखना ही देखना है, तो लेक्चर देखना ही है, टाइम को टालना नहीं है। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या हिंदी कही है सर, है ना। चलो स्टार्ट करते, देरी ना करते हुए मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट मत ले लेना, ठीक है, जब तक मैं कहूँ ना अरे मेरे डस्टर कहाँ गया। हाँ यार, एक सेकंड रब कर देते हैं हम इसको जल्दी से, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बेसिस क्या होते हैं ना। घबराइए नहीं अभी। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं ना। तो सर बेसिस होते क्या है, डेफिनेशन लिख दूं पहले? चलो डेफिनेशन लिख देता हूं, सुनो। बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विच हैव बिटर टेस्ट आर, एंड यहां पे लिख लो, एंड आर सोपी ऑन टच, ऑन या लिख लो टू टच। हाँ, टच की स्पेलिंग सही है? नहीं, गलत है सर। टच की स्पेलिंग TUCH होती है ना, सोपी टू टच। एंड ये सोपी होते हैं टच में, बिल्कुल ठीक है। इनका जो टेस्ट है वो बिटर होता है और ये सोपी होते हैं, यानी कि साबुन जैसे लगते हैं, है ना, इनको जब टच किया जाता है। और एंड इट या लिख लो एंड बेसिस डिसॉल्व्स। या सबसे पहले ये लिख लो एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, क्या टू ब्लू, एंड इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस द हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से हाइड्रोक्साइड? यानी OH- आयंस आर कॉल्ड बेसिस। क्या कहते हैं हम लोग? बेसिस या बेस, लिख लो, बात ही नहीं पड़ेगी ना। तो क्या होते हैं बेसिस, ध्यान से सुनो। बेसिस बेसिकली वो होते हैं जो रेड को, सुनो ऐसा समझो कि बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर। कौन सा टेस्ट होता है? बिटर टेस्ट होता है।
कड़वा टेस्ट होता है। बिटर गार्ड खाया, करेला खाया, खाते भी नहीं होगी मुझे पता है, तो वो क्या होता है, मीठा होता है? नहीं नहीं सर, मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। हाँ, तो वही बात है कि यानी करेला भी इसका बेस का एग्जांपल ले सकते हैं एक तरीके से आप, लेकिन होगा नहीं, है ना। जिनका टेस्ट बिटर होता है और ये जब इनको टच किया जाता है तो ये साबुन जैसे लगते हैं, इसकी वजह से साबुन जैसे सोपी लगते हैं जब इनको टच किया जाता है। और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वाटर में इनको डिसॉल्व किया जाता है ना, तो ये प्रोड्यूस करते हैं OH- माइनस आयंस को, एसिड क्या करते हैं H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये OH- आयंस को यानी हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर होगी मेरी बात, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और बेसिकली है ना ये सारी चीजें बताता हूँ। चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका। सबसे पहले एग्जांपल है इसका, जैसे NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिव्स टू द सोडियम प्लस OH माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना। ये हमारा सॉलिड होता है, ये हमारा एक्वस होता है, और ये भी हमारा एक्वस होता है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक ही बेस है, जब ये सेपरेट होता है तो सोडियम और OH- में हो जाते हैं सेपरेट, क्लियर होगी। तो क्या होता है, ये OH देखो इसने लिखा है ना, OH- को प्रोड्यूस करता है, किसको, OH- को ये प्रोड्यूस कर देता है जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, इसके अंदर वाटर में, तो एक्वासिस्टेट में, यानी कि वाटर एक्वासिस्टेट जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वाटर मिला गया तो ये क्या प्रोड्यूस कर दिया, OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हटता हूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसके बाद मैं रब कर देता हूं, मैं इसका जल्दी से ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस, इसकी क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं फटाफट फटाफट। अरे या 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 अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ बेसिस, बेसिस की कुछ क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी दो होते हैं, पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है ना, और सेकंड होता है हमारा वीक बेसिस, क्या होते हैं वीक बेसिस, क्लियर हुई मेरी बात। तो दोनों के बारे में डेफिनेशन में बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं और वीक बेसिस क्या होते हैं। देखो बेसिस को दो ही पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो होते क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, सुनो मेरे बात ध्यान से, देखो यानी बेस यानी ऐसे बेस जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, समझो मेरी बात, ऐसे कर सकते हो कि वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और ये बात है ना, हम बात किसी कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बेसिस की। तो होता क्या है बेसिकली, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जो बेसिकली आयंस यानी जो वाटर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को, किसको, हाइड्रोक्साइड आयंस को, तो वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्लियर है मेरी बात, नहीं समझ आया, सुनो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं, देखो ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वॉटर के अंदर और बहुत ही ज्यादा अमाउंट, बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या, हाइड्रोक्साइड आयंस, तो वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, क्या होते हैं जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं यानी कि द बेसिस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस द
हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में क्या देते हैं ये OH- को देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस को ये देते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्लियर हुई? तो दो मिनट स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अभी एक और चीज रह गई है, पहले आप इसको एक बार डेफिनेशन पढ़ो, समझो कि इसमें क्या समझ आ रहा है कुछ, पढ़ो पहले इसको, पढ़ो 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 पढ़ लिया पढ़ लिया, तो ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस। दोबारा बताता हूँ, यानी ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में और OH- को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किसके एग्जांपल्स हो गए, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। क्लियर होने के बाद अब इसको मैं रब करता हूं और बताता हूं वीक बेस क्या होता है, ठीक है, रब करता हूं मैं इसको। क्लासिफिकेशंस को ही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, हमने स्ट्रॉन्ग बेसिस पढ़ लिया, वीक बेसिस समझो, वीक बेसिस क्या होते हैं, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं वीक एसिड्स, वीक बेसिस है ना, एसिड्स नहीं, बार बार सर क्या कर रहे हो, ये देखो वीक बेसिस क्या होते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, यानी कि ढंग से ना आयोनाइज नहीं होते वाटर में, लेकिन कम अमाउंट में, जब ढंग से आयोनाइज ही नहीं होंगे तो कम ही देंगे ना, OH- कम ही प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी बात है, तो ये होते हैं वीक बेसिस कि जो वाटर में ढंग से आयोनाइज नहीं होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कम अमाउंट में OH- को, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस को, ठीक है ना, तो यही होता है हमारा वीक बेसिस। क्या होते हैं, द बेसिस विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH- इन स्मॉल अमाउंट आर कॉल्ड वीक बेसिस, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेसिस, ठीक है। तो क्या होते हैं वीक बेसिस, जो पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, ढंग से आयोनाइज नहीं होते, जब ढंग से आयोनाइज ही नहीं होंगे तो OH- कहां से ढंग से प्रोड्यूस करेंगे, है ना, कौन सी बात है ना, जब तुम ढंग से खाना खाओगे ही नहीं तो तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी, ढंग से पढ़ोगे ही नहीं तो पेपर में पास कैसे होगी, है ना, कैसे यार बनोगे साइंटिस्ट तुम, सोचो, जब तुम ढंग से पढ़ोगे नहीं। उसी तरीके से है कि जब ये वाटर में ढंग से डिजॉल्व होंगे ही नहीं तो OH- कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ढंग से नहीं करेंगे ना, तो यही होता है हमारा वीक एसिड, ये कमजोर होते हैं, नाम से समझो ना, वीक एसिड कमजोर होते हैं, ढंग से घुलने पाते हैं, क्यों आती नहीं होती, ढंग से आयोनाइज होने की वाटर में, है ना, तो ये होते हैं हमारे वीक बेसिस। एग्जांपल दो इसका, अच्छा पहले आप एक बार इसका भी ना, इसको भी रीड करने से पता क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, एक बार इसको भी ना रीड करो, मैं फिर आपका एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना, रीड करो जल्दी से, कर लिया। चलो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, एग्जांपल हो सकता है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हो गया बात क्लियर, ठीक है ना, ये क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल जैसे हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर होगी, और क्या हो सकता है, चलो एक ही लिख लो सकता है ना, और ये होते हैं हमारे वीक बेसिस, क्लियर होगी मेरी बात, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी और केमिकल भी दोनों बताता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं साइड हट जाता हूँ, फिर मैं इसको रब भी करूंगा, है ना, जल्दी से लो लो इसका स्क्रीनशॉट।
ले लिया? चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को आप लोगों को बता देता हूँ। सब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की प्रॉपर्टीज को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। ये काम करते हैं, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं ना। क्या पढ़ ले पहले? चलो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, घबराना नहीं, ठीक है ना। ये डस्टर या बार बार खराब हो जाता है, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, सबसे पहला बात क्या हो सकती है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं ना। पहली बात हमारी ये होगी कि बेसिस आर, क्या ऐसे लिख सकते हो, चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। सोचो और मेरे को बताओ जल्दी, सोचो, 2 मिनट सोचो, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड सोचो, ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं नहीं, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। चला नहीं है, देखो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनो। इसके बाद हाँ, बेसिस टेस्ट, या लिख सकते हो इट्स टेस्ट आर बिटर टेस्ट होता है इनका। क्या होता है टेस्ट? बिटर होता है। हर प्रोड्यूस द OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, है ना। चौथी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, है ना। किसके अंदर? वाटर के अंदर। दोबारा सोचो, वाटर के अंदर, यानी कि दे आर कंडक्टर ऑफ या लिख सकते हो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन वॉटर, क्या इन वॉटर, वॉटर में, ठीक है। और क्या हो सकता है, बस चार, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। चलो मैं डस्टर ले लेता हूँ, फिर मिटाऊंगा आपको। अरे आपको नहीं मिटाएंगे, मजाक कर रहे हैं, आपको नहीं मिटाने की बात कर रहे हैं हम। सुनिए हमारी बात। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, दो होती हैं। और जो मैंने आपको इससे पहले प्रॉपर्टीज बताई थी वो चार थी, अब यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो दो है। पहली, रिएक्शन विद मेटल्स, कि जब बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी क्या दशा होती है, उनकी क्या हालत होती है, ये पढ़ने वाले हैं। और जब रिएक्शंस नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो क्या हालात होते हैं, है ना, दोनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, रिएक्शंस विद मेटल्स, कि जब 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 बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है। तो मेरे पास ध्यान से सुनो कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखो, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। और जो ये गैस होती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है, वो पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है जब इसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, समझ गए। क्या है रिएक्शन विद मेटल, कि जब कोई भी बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, निकलती है। और उसी हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसको पॉप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और वही जो, ठीक है ना, वही गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब उसको जलाया जाता है। क्या करता है? जब उसको जलाया जाता है, वही गैस क्या होती है, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है जब उन्हें बर्न किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है कि जब, यानी ऐसा ही होता है जब 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 बेसिस रिएक्ट करते मेटल के साथ। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया।
इसका एग्जांपल जैसे कि 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस देखिए मेटल के साथ जब बेस, ये बेस हो गया, ये मेटल हो गया, तो मेटल को जब बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देते हैं, बात खत्म, यही चीज तो होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ बेसिस, बेसिस के रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, ठीक है ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं और मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। रब कर देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर होता क्या है मैं आपको बताता हूं, आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। ले लिया, चलो रब कर देता हूं। ये नाम वाम कमाओ अपना, क्या कर रहे हो तुम बैठे बैठे, नाम वाम कमाओ अपना, आप भी साइंटिस्ट बनो, बड़े बड़े कलाकार बनो यार, कैसी ऐसी बातें करते रहते हो। ये तो हो गया ना हमारा, इसलिए मैंने इसको भी रख दिया। अब हम पढ़ते हैं ये चीज, ठीक, नाम वाम कमाओ यार, कैसी बात करते हो तुम लोग, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनो, बड़े हो के यार कुछ करो, 12th क्लास में कुछ तो करो। सुनो मेरी बात, अभी पहले पढ़ाई करो तब कुछ करना, ठीक है ना, घर वाले तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, बता ही दे रहे हैं हम तुमको, हाँ ज्यादा चलाक बनने की कोशिश करोगे ना, मार के पापा पापा जी तुम्हारे पैर तोड़ देंगे, बता ही दे रहे हैं, पढ़ाई कर लो चुप से, हमारे भैका में माता बता ही दे रहे हैं, जो करना है ना 12th में करना। देखो सुनो, मजाक कर रहे हैं, देखो सुनो, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि जब बेस नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो देखो याद रखना कि जब भी मेटल जो होते हैं जब भी बेसिस होते हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, क्या कि बेसिस आर रिएक्ट विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर होगी मेरे पास, ठीक है ना, इसको रीड करो एक बार, इसको भी जो स्टेटमेंट लिखी है इसको भी रीड करो, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको, रीड करो, देखो उसको समझ आया कि नहीं आया, मैंने बताया तो समझ आएगा, इसको ही पढ़ो, देखो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से पढ़ो। पढ़ लिया, पढ़ा। चलो अब एग्जांपल बता दो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जो कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, वो जब रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर, है ना, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद, अच्छे से लिखो सर, कैसे लिख रहे हो राइटिंग, हाँ जी लिख दे रहे हैं, With कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, then they produce salt and water, ठीक समझ आई, क्या है सुनो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कर रहे हो सर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, और कैल्शियम, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है, समझ आ गया, तो इनका नेचर कैसा हो गया, ये किस पे यानी क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर होगी मेरी बात, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जल्दी से, और हमारे बेसिस की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत बढ़िया, तो हमारी जो बेसिस की पढ़ाई आज खत्म हो गई, एसिड भी पढ़ लिया हमने, बेस भी पढ़ लिया, एसिड बेस, बैलेंस हो गया ना, दोनों पढ़ लिया हमने, दोनों चीजें पढ़ ली है, अब अगली वीडियो में हम लोग एसिड और बेस के बीच में जो रिलेशन है उसको पढ़ेंगे, एसिड और बेस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्ट पढ़ेंगे, खत्म चैप्टर यार, घबराओ नहीं, ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पे नहीं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे वीडियो में नहीं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना,
चलो। और हाँ कमेंट में वो करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी यार, यही तो मेन है, मेन चीज ये कमेंट यहाँ पे आपको बताना है, जरूर बताना है, ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलो, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय गाइस, बाय।